छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव समेत प्रदेश भर के खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओलंपिक संघ के कार्यकारिणी सदस्य अनिल पुसदकर ने दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और सभी खिलाड़ियों को बधाई शुभकामनाएं दी। इस दौरान अनिल पुसदकर ने कहा कि सभी जूनियर कैडेट और सीनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ी को अगले महीने 6 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जयपुर जाएंगे, जिसमें राज्य के लगभग 60 ताइक्वांडो के खिलाड़ियों का चयन इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता से होगा। सब जूनियर जूनियर और कैडेट लोग थे वो यहाँ आकर अपनी कला का प्रदर्शन करें। लगभग कितने बच्चे हैं? इसके पहले भी आपने कई कार्यक्रम कराए हैं, बच्चे बाहर भी गए हैं? तो बच्चे तो अपनी जो स्ट्रगल होती है उस ग्रुप के हिसाब से ही आते हैं, और जब ये जिला स्तर के अंतर जिला है तो अंतर जिला के आएंगे, जब राज्य स्तर की होगी, जब अंतर राज्य होगा तो बच्चे बढ़ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, खेल स्पर्धा है। अब खेल में जितने बच्चे ज़्यादा जुड़े उतना अच्छा है, क्योंकि बच्चे अब टीवी और इंटरनेट और ये सब खेलने की बजाय अगर ग्राउंड में अगर बच्चे दिखने लगे तो ये उनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, उनके मतलब बुद्धि कौशल भी है वो भी निखरती है, और दूसरा करना जानता है फिर जमाने में प्रतिस्पर्धा करना जानता है। खेल जो है वो हर चीज़ में उसको पाया जाता है, सिर्फ खेल में नहीं। ये कार्यक्रम है कि नेशनल प्रतियोगिता होने वाला ताइक्वांडो का, इसके पहले हम लोग राज्य के हमारे पास कई जिले के बच्चे आए हैं, उनके बीच में एक टूर्नामेंट आयोजित है, जो बच्चे इसमें जीतेंगे सेलेक्ट होंगे उनको हम लोग नेशनल